हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करें। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम चौड़ी आईब्रो को पतला बनाना सिखाइए और इस तरीके से आईब्रो बनाइए कि आप भी वीडियो में पूरा पूरा दिखें, ताकि पता चले कि आप किस तरीके से आईब्रो बनाती हैं। तो ये दोनों रिक्वेस्ट आपकी इस वीडियो में पूरी होने वाली है। चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी और मैं अपना भी वीडियो लिया है मैंने आईब्रो बनाते टाइम, तो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी वाटरप्रूफ मेकअप, ये भी स्टडी वीडियो थी कि मतलब किसी ने मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम वाटरप्रूफ मेकअप बताइए, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस वीडियो में मैंने वाटरप्रूफ मेकअप तो किया ही है, साथ में मैंने उस मेकअप को लास्ट में पानी से पूरा फेस को 2-3 मग से पानी से धोया हुआ है, फिर भी मेरा मेकअप टस का मस नहीं हुआ, पूरा वैसे का वैसे है। और वो मेकअप मैं कल पूरा नाइट में, सुबह मैंने वो मेकअप 9 बजे किया था और रात को 11 बजे रिमूव किया, तब तक मेकअप वैसे का वैसे था। तो किस तरीके से किया था आप जाके देख लीजिएगा। और मुझसे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए थे आपने, तो मैंने उसमें लैक्मे का प्रोडक्ट यूज किया था। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारे प्रोडक्ट के नाम बताए, लैक्मे का प्रोडक्ट पूरा था, बस एक कंसीलर था जो कि 7 सीज का था, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस तरीके का मेकअप। पसीना आता है बारिश का सीज़न हो, गर्मियों में शादी फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी में जा रहे आप, तो इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं, आपका मेकअप टस से मस नहीं होगा। तो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और ये वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी मेरी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पे भी मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज और फोटोज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करें, और मुझे भी वीडियो में देखने का भी रिक्वेस्ट आप लोगों का पूरा हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो ये देख सकते हैं आप मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनकी आईब्रो आप ध्यान से देखिए, पूरा अच्छे से शेप बना हुआ है इनका। ये अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली से आई हैं, तो इनका आईब्रो बना हुआ था, उन्होंने बनवा के आया था, बट मैंने उस दिन फेशियल बताया था आप लोगों को इनके फेस पे क्लीन अप, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इनकी आईब्रो थोड़ी पतली करके दिखाइए, तो मैंने इनसे बोला, तो इन्होंने बोला चलिए भाभी कोई बात नहीं, आप पतली कर दीजिए। तो मैं पतली कर रही हूँ, और आप मैंने बहुत सारी आईब्रो सेविंग की वीडियोज़ डाली हुई हैं, आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेकअप के जरिए आईब्रो को कैसे सेव करें, और हेड सेव का लुक भी मैंने बनाया हुआ था, और कल मैंने एक वीडियो डाली थी वाटरप्रूफ मेकअप का, उसके बाद मैंने मेकअप पूरा मेकअप करने के बाद से पूरे फेस पे पानी डाल के दिखाया था, मेकअप टस का मस नहीं हुआ। मैंने सुबह में 9 बजे मेकअप किया था और रात के 11 बजे तक मेकअप वैसे का वैसे था। तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं बरसात के सीज़न में, अगर या बारिश में, या पसीना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरीके से मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आईब्रो का पहले ऊपर वाला शेप अच्छे से दे देंगे, उसके बाद से कस्टमर को बोलिए अच्छे से खींचने के लिए, मैं थोड़ा एक एक लाइन इनकी पतली कर देती हूँ। तो इस तरीके से एकदम आराम से, धागे को ज़्यादा स्किन पे नहीं रगड़ना, उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा रगड़ोगे तो आपकी स्किन कट सकती है, छिल सकती है, इसलिए ज़्यादा नहीं रगड़ना। एकदम बस हल्के से, हल्के हाथों से आईब्रो को में धागे को टच करते हुए, बस धागे के अंदर आते ही धागे को खींच दीजिए, ज़्यादा जोर से दबाव नहीं डालना है, ओके, तब कस्टमर को पेन भी फील नहीं होगा। अगर कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो आप पहले आईब्रो बनाने से पहले 1 मिनट तक आईब्रो पे बर्फ़ रगड़ दीजिए, आइस, उससे उनको पेन फील नहीं होगा, और उसके बाद से आईब्रो बनाइए, ओके। काफ़ी हमारी रिक्वेस्ट आती है कि किस तरीके से आईब्रो बनाएं कि पेन ना हो, तो ये आप टिप्स अपना आजमा सकते हैं। तो पहली थ्रेडिंग में करने के बाद से फिर बताती हूँ सेकेंड दूसरी थ्रेडिंग में, आपको मेरा लुक भी देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरीके से मैं थ्रेडिंग करती हूँ। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से धागे को ले जाते हुए आप आईब्रो को पतला कर सकते हो, आप चाहो तो और भी पतली कर सकते हो, बट इनको इतना बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इनका थ्रेडिंग थोड़ा सा पतला किया था, और बहुत ही अच्छा लुक आ गया था पतला होने के बाद से, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेके और धागे को खींचते जाइए, और इजीली आप बना लोगे। मैंने वैसे पहले भी धागा कैसे चलाएं, किस तरीके से सेल्फ आईब्रो बनाएं और दूसरों का आईब्रो कैसे बनाएं, सब कुछ बताया हुआ। अगर आपको फिर भी ना समझ में आता हो, दोबारा से आपको सीखना हो कि धागा किस तरीके से पकड़ते हैं, थ्रेड करते टाइम थ्रेड को कैसे पकड़ना चाहिए, अगर सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये देखिए फर्स्ट आईब्रो इनकी कम्प्लीट हो गई, सेकेंड वाली देख लीजिए। तो सेकेंड वाली में भी पहले सेम प्रोसेस है, ऊपर की तरफ से आपको पहले निकालना है थ्रेडिंग को। ये नॉर्मल लाइट है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप।
तो इस तरीके से पहले नोज के पास के हेयर को रिमूव कर ले रही हूँ। ओके, उसके बाद से फिर से इनके थ्रेडिंग को ऊपर नीचे ऐसे पकड़ के जितना जोर से कस्टमर खींचेगा अपने आईब्रो को उतना ही कम पेन होगा, उतना ही आपको आईब्रो को शेप देने में आसानी होगी। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनका ऊपर का शेप दे दिया। अब नीचे वाला बनाने के लिए आपको कस्टमर को बोलना है कि थ्रेडिंग को जोर से खींचे। ओके, फिर एक एक लाइन पतली करनी है, ऐसे एकदम हल्के हाथों से धागे को लेना है, हेयर को मतलब धागे में लेना है आईब्रो के हेयर को, और इस तरीके से खींचते जाना है एकदम हल्के हाथों से। बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है स्किन पे धागे को। और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वाटरप्रूफ मेकअप वाली, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हेडसेव मेकअप करके दिखाया था मैंने, हेडसेव किया नहीं है, मेकअप के जरिए मैंने अपने हेडसेव का लुक बनाया था, वो भी वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप थ्रेडिंग को पतला कर सकते हो। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। और भी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, और भी दो तीन रिक्वेस्ट है मैं बहुत जल्दी उसको बता दूंगी। तो फाइनल लुक क्या है, कैंची से कट करने के बाद से थ्रेडिंग पे कोई भी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब हेयर निकलते हैं तो थोड़ा सा पेन होते रहता है ऐसे अजीब की जैसे स्किन पे, तो उसको मॉइस्चराइजर लगाने से रिलैक्स होता है और आराम मिलता है। तो एक्स्ट्रा हेयर को कैंची सीजर से कट कर दीजिए दोनों आईब्रो में। ओके, और आपको ऊपर नीचे लगे तो थोड़ा सा और हेयर रिमूव कर लीजिए। तो आप पहले में और अभी में डिफरेंट देख सकते हैं, पहले चौड़ी थी और अभी पतली हो गई इनकी थ्रेडिंग। तो आपको लेना है मॉइस्चराइजर, मैंने यहाँ पे आयुर का मॉइस्चराइजर लिया, बहुत ही अच्छा होता है आयुर का मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा लेके अप्लाई कर देना। अगर आप चाहो तो स्किन टोनर भी यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं है तो आप गुलाब जल लगा दो, लेकिन लगाओ जरूर। जब भी आप आए कस्टमर के थ्रेडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ उनकी थ्रेडिंग पर अप्लाई जरूर कीजिए, उससे उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और पेन जो हो रहा होगा वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और सूजन वूजन कटवट लग जाती है तो उसमें भी रिलैक्स मिलती है आप मॉइस्चराइजर लगा देते हो। तो जब भी थ्रेडिंग करो कुछ ना कुछ जरूर लगाए, टोनर मॉइस्चराइजर मसाज क्रीम कुछ भी लगा दो, बट लगा दो। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से लगाने के बाद से थोड़ा सा मसाज दे दो उनको आईब्रो के पास। पीछे मेरी बेटी खेल रही है आप देख सकते हो। तो इनका थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया है, अच्छे से मैं मसाज कर दे रही हूँ इनके थ्रेडिंग पे। और हाँ गाइज, आप लोग को अब मेरे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में हेयर कटिंग कैसे करते हैं वो मैं पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और किस तरीके से कट करते हैं, कट करके या फिर अच्छे से पूरा समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करें। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम चौड़ी आईब्रो को पतला बनाना सिखाइए, और इस तरीके से आईब्रो बनाइए कि आप भी वीडियो में पूरा पूरा दिखें, ताकि पता चले कि आप किस तरीके से आईब्रो बनाती हैं। तो ये दोनों रिक्वेस्ट आपकी इस वीडियो में पूरी होने वाली है, चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी, और मैं अपना भी वीडियो लिया है मैंने आईब्रो बनाते टाइम, तो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी वाटरप्रूफ मेकअप, ये भी स्टडी वीडियो थी कि मतलब किसी ने मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम वाटरप्रूफ मेकअप बताइए, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उस वीडियो में। मैंने वाटरप्रूफ मेकअप तो किया ही है, साथ में मैंने उस मेकअप को लास्ट में पानी से पूरा फेस को दो तीन मग से पानी से धोया हुआ है, फिर भी मेरा मेकअप टस का मस नहीं हुआ, पूरा वैसे का वैसे है। और वो मेकअप मैं कल पूरा नाइट में, सुबह मैंने वो मेकअप 9 बजे किया था और रात को 11 बजे रिमूव किया, तब तक मेकअप वैसे का वैसे था। तो किस तरीके से किया था आप जाके देख लीजिएगा। और मुझसे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए थे आपने, तो मैंने उसमें लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ किया था। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारे प्रोडक्ट के नाम बताए, लैक्मे का प्रोडक्ट पूरा था, बस एक कंसीलर था जो कि 7 सीज का था, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस तरीके का मेकअप, पसीना आता है, बारिश का सीज़न हो, गर्मियों में शादी फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी में जा रहे हैं आप, तो इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं, आपका मेकअप टस से मस नहीं होगा। तो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, और
ये वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी मेरी Preet Tiwari24 है, वहाँ पे भी मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज और फोटोज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चौड़ी आईब्रो को पतला कैसे करें, और मुझे भी वीडियो में देखने का भी रिक्वेस्ट आप लोगों का पूरा हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।